हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चलेगा आज से, वो चलेगा क्लास 12 का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको आज से हम स्टार्ट करेंगे उसका डिस्कशन। इसमें टोटल 9 चैप्टर है, जिसमें हम कोल्ड वॉर, द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, यानी कि शीत युद्ध का जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, तीसरा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए का वर्चस्व, फोर्थ चैप्टर हमारा अल्टरनेटिव सेंट्रल पावर, फिफ्थ चैप्टर हमारा कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया, फिर हम सिक्स चैप्टर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेवन्थ चैप्टर में सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, और जो हमारा एट चैप्टर होगा जिसमें हम इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और नाइन्थ जो लास्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास सिक्स से लेकर के इलेवेंथ की जो फर्स्ट एंड सेकेंड, वो दोनों बुक हमने क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, और वो उसकी वीडियो अपलोडेड है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके पैरेलल में जो हमारा एम लक्ष्मीकांत की जो वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट जिसमें चैप्टर 1 से लेके 11 तक है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस का साथ डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट जो कि है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक है, वो भी हमने विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस किया, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का दो पॉलिटी टेस्ट मिल जाएगा, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 27 ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर जो डिस्कशन चल रहा है प्रीलिम्स का, उसमें हमने एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न ये तीनों कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का डिस्कशन चल रहा है, जो जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 1995 से लेकर के 1996 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम 1997 से लेकर के 1998 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसमें जो सबसे बेसिक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी आती है, वो ये आते हैं कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मतलब सिलेबस को एनालाइज कीजिए। सिलेबस एनालाइज करने के बाद आप यूपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से एग्जाम आता है। तो इसीलिए हम हर संडे संडे को ये 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर सीरीज का डिस्कशन करते हैं, और जो हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक रहता है उसमें हम अपने जो जैसे कि एनसीईआरटी और जो हमारा एक स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज से हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारा क्लास 12 की फर्स्ट बुक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम पॉलिटी का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, और जैसे ही पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लास 12 का जो सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटी उसको डिस्कस करेंगे। आखिर जो हमारा 12th क्लास का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या वो 12th क्लास में आर्ट स्ट्रीम से, चाहे उसके पास पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ना, हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। और जिन स्टूडेंट के पास PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल है, तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि PSIR ऑप्शनल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि है हमारा कोल्ड वॉर। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यानी कि जो हमारा क्यूबा मिसाइल संकट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एक कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक घटना थी, जिसने 95% ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था। इसलिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है कोल्ड वॉर में वो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। फिर इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, किस तरीके से दूसरे महाद्वीप में जो धूरी राष्ट्र की हार हुई, यानी कि जो हमारे एक्सेस पावर थी उसकी हार हो गई थी। फिर हम इसमें समझेंगे कि कोल्ड वॉर का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है कोल्ड वॉर के बारे में समझेंगे, कोल्ड वॉर के क्या रिजल्ट निकले थे, फिर कोल्ड वॉर का क्या कारण थे, आखिर किन कारणों से कोल्ड वॉर हुआ था, फिर कोल्ड वॉर में जो स्थिरता आई थी, फिर उसमें स्थिरता आने के क्या कारण थे, किस तरीके से कोल्ड वॉर में स्थिरता आई थी,
इसमें फिर जो गुट निरपेक्ष है यानी कि जो हमारा नॉन अलायंस मूवमेंट है उसकी क्या रोल था, उसका क्या इंपॉर्टेंट प्ले रहा था कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो नई यानी कि जो हम बात करेंगे इसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर भारत और कोल्ड वॉर के बीच में भारत की क्या पॉलिसी थी यूएसए को लेकर के, रूस के साथ क्या पॉलिसी भारत को लेकर के, इन सब चीज को आज हम फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ कोल्ड वॉर किस तरीके से, कोल्ड वॉर की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को डिस्कस करेंगे। बाकी की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो हमारी विदेश नीति थी जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 से लेकर के आज हम 2023 में, अब से लेके हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही थी कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में वो किस तरीके से रही थी उसको डिस्कस करेंगे। नॉन अलायंस मूवमेंट क्या था उसको डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस थी उसको डिस्कस करेंगे, नॉन अलायंस मूवमेंट की क्या क्रिटिज्म देखने को मिलता उसको डिस्कस करेंगे। ये सब हम वीडियो के पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते जाएंगे। तो आज सिर्फ हम दो चीज डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इवेंट यानी कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो क्या था, सिर्फ इन दो को डिस्कस करेंगे। बाकी चीजें हम अलग अलग वीडियो में पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कोल्ड वॉर है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि कोल्ड वॉर जो है जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं वो उसका जो जन्म था वो किस तरीके से हुआ। अगर हम बात करते 1939 से लेकर के 1945 तक, 1945 तक क्या चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था दो कंट्री के यानी कि दो ग्रुपों के बीच में, एक था अलायंस ग्रुप दूसरा था एक्सिस पावर। अगर हम अलायंस पावर की बात करते हैं जिसमें कौन कौन से, जिसे हम हिंदी में मित्र राष्ट्र कहते हैं, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी देश थी, तो मित्र राष्ट्र में आपको यूएसए, रसिया, फिर आपका फ्रांस, इंग्लैंड, ये आपको देखने को मिलेंगे किसमें, मित्र राष्ट्र में यानी कि अलायंस पावर में। और एक्सेस पावर में यानी कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे, उसमें था जापान, जर्मनी और इटली, ये वो राष्ट्र थे जो धुरी राष्ट्र में थे। तो इन दोनों देशों के ग्रुप में यानी कि एक्सेस पावर, अलायंस पावर, हिंदी में बात करें तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। जब 1945 तक आते आते सारे राष्ट्र ने क्या है अपने आप को आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया था, लेकिन जापान 1947 तक वॉर लड़ता रहा था। तो जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए यूएसए के द्वारा क्या है, जापान के दो शहर यानी कि एक 6 मई 1945 और 9 मई 1945 को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या है यूएसए ने दो न्यूक्लियर बम गिराए जिसका नाम फैटमैन एंड लिटिल बॉय था। तो इस चीज की जानकारी यूएसए की जो मित्र राष्ट्र थे यानी कि जो मित्र राष्ट्र के जो देश थे जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड को इस बात की जानकारी थी कि यूएसए अब जापान के ऊपर दो न्यूक्लियर बम गिराने वाला, लेकिन मित्र राष्ट्र के जो अलग देश थे, जो और देश थे जैसे कि रसिया, उसको इस बात की यूएसए के द्वारा ये बात नहीं बताई गई थी रसिया को कि वो जापान के ऊपर दो न्यूक्लियर बम गिराने वाला है। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और यूएसए के द्वारा जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पे जो दो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे उसके तहत, उसके बाद जैसे ही जापान ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया तो वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब स्टार्ट हुआ हमारा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का जो जन्म लेने का जो मेन कारण था वो यही था कि यूएसए के द्वारा जो उसके अलायंस पावर में जो कंट्री, अलायंस पावर की जो ग्रुप में जो कंट्री थी जैसे आपका फ्रांस और इंग्लैंड था, उनको इस बात की जानकारी थी कि यूएसए अब न्यूक्लियर बम गिराने वाला है, लेकिन और भी जो मेंबर्स कंट्री थे जैसे कि आपका रसिया, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, तब यूएसए और रसिया के बीच में जो रिलेशंस थे उनमें दरार आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि यूएसए के द्वारा ये बात नहीं बताई गई थी कि यूएसए अब दो न्यूक्लियर बम गिराने वाला है जापान के ऊपर।
इस स्थिति ने क्या है, दोनों के जो रिलेशंस खराब हुए इसमें यूएसए और रसिया एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे का क्रिटिसाइज करने लगे, दुर्व शब्द का प्रयोग करने लगे, यानी कि कूटनीति वाले जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो क्या करने लगे, एक दूसरे के लिए यूज करने लगे। जैसे ही इनके रिलेशंस खराब हुए तो इन दोनों के रिलेशन यानी कि जो रसिया और चाइना है इनके बीच में अविश्वास जन्म लेने लगा, यानी कि दोनों के ऊपर संदेह की भावना से दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो इस स्थिति से क्या हुआ, कोल्ड वॉर का जन्म हुआ। और कोल्ड वॉर जो है वो 1945 से लेकर के 1990 तक चला था। तो इस इवेंट के बीच में यानी कि ये जो कोल्ड वॉर एरा था, इस ड्यूरेशन में क्या है, एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट घटना है वो थी घटी थी वो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, अगर हम क्यूबा की बात करते हैं तो ये एक वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा क्या है, बड़ा द्वीप है। अगर हम इसके पड़ोसी देश की बात करते हैं क्यूबा की, तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, फिर आपका मैक्सिको, जमैका और हैती क्या है, क्यूबा की नियरेस्ट यानी कि नेबर कंट्रीज है। 1959 में क्या हुआ था, फिदेल कास्ट्रो ने जनरल विस्तार की जो सरकार है उसका तख्ता क्या किया, पलट दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो जैसे ही फिदेल कास्ट्रो ने सत्ता अपने हाथ में ली तो फिदेल कास्ट्रो ने क्या है, जो क्यूबा है क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो तानाशाह थी उसको जन्म दिया। तो क्यूबा के उद्योग में क्या है, अमेरिकी पूंजीपतियों ने यानी कि जो अमेरिकन जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, तो जिसके वजह से क्या है, उन्हें करोड़ों का डॉलर, जिन्होंने जो यूएसए के जो रिचेस्ट पर्सन थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने करोड़ों डॉलर क्यूबा के अंदर इन्वेस्ट कर रखे थे। और जैसे ही फिदेल कास्ट्रो ने तख्ता पलट पलट करके कम्युनिस्ट पार्टी को की स्थापना की, इससे जितने भी जो उद्योग थे वो किसके हाथ में आ गई थी, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। तो इसके बाद क्या था कि जब फिदेल कास्ट्रो ने को अमेरिकी की ओर से क्या है आक्रमण करने की आशंका बढ़ी, तब फिदेल कास्ट्रो यूएसए मतलब यूएसएसआर के पास गए, यानी कि वो रसिया के पास गया। यूएसएसआर का पहले यानी कि आज के टाइम पे जो हम रसिया जानते हैं वो पहले क्या था, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट पब्लिक के नाम से जाना जाता था। तो जो फिदेल कास्ट्रो था वो किसके पास गया, यूएसएसआर के पास गया। तो यूएसएसआर ने क्या किया, जितने भी जो बम्स थे, जो न्यूक्लियर बम थे, वो सब कहाँ डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, क्यूबा के अंदर जाकर के बम को डिप्लॉय कर दिया। जो क्यूबा है, क्यूबा से लेकर के यूएसए की जो डिस्टेंस है मात्र 140 किलोमीटर है, जिसके वजह से क्या है वॉर की स्थिति दोनों तरफ से उत्पन्न हो गई। यूएसए ने भी अपने न्यूक्लियर बम क्यूबा की तरफ कर दिए थे, और क्यूबा की जो क्यूबा में जो यूएसएसआर के द्वारा जो बम्स और जो मिसाइल सप्लाई किए जा रहे थे उसके वजह से एक दोनों के बीच में और भी ज्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिसे देख के लग रहा था कि 95% चांस था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन फिर दोनों देशों के लीडर्स ने अपनी समझदारी दिखाई थी और अपने अपने जो वेपन्स है उसको हटा लिया था। तो जिसके वजह से दुनिया के ऊपर से एक और खतरा मंडरा जो रहा था वो क्या हुआ था, टल गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिकी ओर की जब फिदेल कास्त्रो को अमेरिका की ओर से आक्रमण करने की जो धमकियां दी जाने लगी थी, तो उसके वजह से वो किसके पास गया था, जो फिदेल कास्त्रो की जो सरकार थी वो गई किसके पास, रूस के पास। तो रूस ने सैनिक और जो आर्थिक सहायता मतलब फिदेल कास्त्रो के द्वारा यूएसएसआर से क्या है सैनिक और जो आपका आर्थिक सहायता थी वो मांगा जाने लगा। तो रसिया के द्वारा यानी कि जो यूएसएसआर था उसने क्या किया, सैनिक और आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया, क्योंकि क्यूबा के अंदर क्या है कम्युनिस्ट पार्टी के शासन यानी कि कम्युनिस्ट सरकार थी, और यूएसएसआर के अंदर भी कम्युनिस्ट सरकार होने की वजह से क्या है दोनों के बीच की जो रिलेशन है उसमें इम्प्रूव आई। और यूएसएसआर ने क्या है सैनिक और आर्थिक जो सहायता मांगी गई थी फिदेल कास्ट्रो के द्वारा क्यूबा से, तो वो उसकी पूर्ति रसिया के द्वारा किया जाने लगा। तो इसमें क्या है सोवियत रूस ने क्या है जितने भी जो शस्त्र थे, जितने भी जो हथियार थे, जितने भी जो वेपन्स थे, वो फिदेल कास्ट्रो यानी कि जो क्यूबा में है क्यूबा में भेजने लगा। तो ऐसी स्थिति को देखिए जब दोनों कंट्री के जो वेपन्स जब आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में जो हथियारें खड़ी कर दी थी, मिसाइलें खड़ी कर दी थी, तो अब ऐसा लग रहा था
कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अगर क्यूबा की बात करें तो ये कितना 140 किलोमीटर था किससे, यूएसए से, जिसके वजह से क्या, क्यों जो यूएसए है उसके ऊपर एक खतरा सा मंडराने लगा था। फिर बात करते हैं अमेरिकी जो राष्ट्रपति है जॉन कैनेडी ने क्यूबा की क्या कर दी, नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिससे क्या है जितने भी जो न्यूक्लियर वेपन थे या जितने भी जो न्यूक्लियर हथियार थे वो क्या हो गया, तो जो जितने भी जो न्यूक्लियर वेपन से लैस जो शिप्स थे वो क्या होने लगे, उसको नाकेबंदी की वजह से क्या है रसिया के जो शिप्स थे उसको रास्ते में ही रोका जा सके। इसीलिए मतलब जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी थी, ताकि जो रसिया का जो वेपन्स वाला जो जहाज है उसे क्यूबा तक जाने से रोका जा सके। क्यूबा संकट ने क्या एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया था जिससे कि आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो अधिकांश जो आशंका थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ने वो खड़ी करके रख दी। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में क्या था, जो शीत युद्ध था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। चरम सीमा पर इसलिए पहुंच गया था क्योंकि अब पूरी आशंका हो गई थी कि भाई अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा। लेकिन रूस और अमेरिका के बीच में जो भी मुठभेड़ की जो संभावना थी वो क्या थी, और भी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या किया था, तो हथियार को खड़ा कर दिया था। लेकिन उसके बाद रूस के जो सर्वोच्च नेता थे, नेता खुबरचेव, अब मैं इसका नाम लिख देता हूं खुबरचेव, खुबरचेव के द्वारा क्या है दूरदर्शित और समझदारी का उनके द्वारा परिचय दिया गया, और 23 अक्टूबर 1962 को यह घोषणा कर दी गई कि सोवियत जो है वो क्यू जो यानी कि जो सोवियत रूस है वो अब क्यूबा को मिसाइल सप्लाई नहीं करेगा, और जितने भी जो सैनिक अड्डे हैं या जितने भी जो क्यूबा को जो मिसाइल दिया है वो सब वहां से क्या कर लेगा, हटा लेगा, या जितने भी जो सैनिक अड्डे हैं उसको तोड़ देगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू का इस संकट को टालने में क्या है अपना बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस संकट के बाद क्या है शीत युद्ध में क्या है थोड़ी सी स्थिरता आने लगी, यानी कि अब लगने लगा कि अब कोल्ड वॉर का अंत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि कोल्ड वॉर क्या था, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जो दो जो अगर दो शक्ति की जो ब्लॉक्स है उसका किस तरीके का उदय हुआ, जिसमें हम नाटो के बारे में डिस्कस करेंगे, वार्सा पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाटो एक ऐसा ट्रीटी है जिसमें अगर आज के टाइम पे करेंटली बात करें तो उसमें कितने 30 मेंबर हैं, इन 30 में से यदि एक पे भी अटैक होता तो ये 30 के 30 कंट्री समझेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ और उस कंट्री के अगेंस्ट में वो एक्शन लेंगे। लेकिन इसकी जो स्थापना थी वो कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी यूएसएसआर को टक्कर देने के लिए, और इसी के रिस्पांस में क्या है यूएसएसआर के द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया गया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसी में फिर सेंटो सीटो सेक्टो के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि छोटे छोटे देश आखिर क्यों बड़े देशों से मिलकर के अलायंस बना रहे थे, ये सब चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, किस तरीके से कोल्ड वॉर का किस तरीके से कोल्ड वॉर की उत्पत्ति हुई, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, वो आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तब हम अपना आगे का वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।